अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की स्टूडियो के अंदर एमजीटी 101 का जो क्विज वन है वो देखेंगे। और इसके लिए मैंने थोड़े से लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो लाजमी देखिएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वहाँ पर आपका क्लियर होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों की तैयारी भी इस चैनल पर करवा दूंगा और आपके साथ फाइनल पेपर मिड टर्म का जो पेपर होगा ये फॉल 2021 का, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इसी चैनल पर। तो रिक्वेस्ट आपसे ये, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में लाजमी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो बार वक्त मिल सके। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो देखें, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जो है वो समझाना यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो आपके पास डेबिट होता है ना, जो आपके पास नेचर ऑफ इनकम होती है ना, वो डेबिट नहीं होती है, वो बल्कि आपकी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज़ नेचर ऑफ इनकम इज़ डेबिट, क्योंकि हमने यहाँ पर उनको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो जो नेचर होती है आपकी इनकम की, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास क्रेडिट होती है। ये आपका कहीं ना कहीं मॉड्यूल 1 या 2 में आपको बताया गया होगा। उसके बाद देखें, एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन मॉनेटरी। तो ये आपके पास लूज एक्सीडेंट आ सकता है कि आपने किसी भी एक्सीडेंट को लॉस जो है वो कर दिया, क्योंकि आपका इवेंट जो वाकया होता है आप उसको अगर कोई मॉनिटर नहीं कर रहे होते, या मॉनेटरी का मतलब यही आ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज लूज एक्सीडेंट। ये भी आपको कहीं ना कहीं उसमें अंदर लिखा हुआ होगा हैंड आउट्स के अंदर। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर, इसने आपको एक जो है वो दी हुई एग्जाम्पल, और ये आपकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म में ये कंटिन्यूसली पूछी जाती है, और जब से ये आपका सिलेबस अपडेट हुआ है तब से ये एग्जाम्पल आपसे जो है वो पूछी जाती है। तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिट इफ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एबीसी कॉर्पोरेशन ₹8,000 एंड फॉर कैश ₹4,000। तो देखिए, आपके ये सेल अकाउंट है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्रेडिट पे देखें, यहाँ पर इसने लिख भी दिया है कि इफ सोल्ड गुड्स आर ऑन क्रेडिट, आप कुछ भी चीज़ को क्रेडिट पे बेचें, डेबिट पे बेचें, लेकिन आप इस तरह किसी को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड सेल अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास है जी, विच वाउचर, कौन सा ऐसा वाउचर होता है इज़ यूज्ड एज प्रूफ डैट डेबिटर एम आर आ हैज़ क्रिएटेड हिज आर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन बैलेंसेस, डैट इज़ कैश पेमेंट वाउचर। जो कैश पेमेंट वाउचर होता है वो आपके पास एज अ प्रूव्ड होता है डेबिट एम आर का। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। थोड़ी सी आपके पास एमजीटी कॉम्प्लिकेटेड किताब है, थोड़ी सी मुश्किल किताब है, और इसके जो लेक्चरार हैं वो भी आपको बिल्कुल इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप हैंड आउट्स को लाजमी डाउनलोड करें। हैंड आउट्स को डाउनलोड करने के बाद आप जो है अपना काम करें, इंशाल्लाह आपका वहाँ पर बहुत सारा जो काम है वहाँ पर जो हैंड आउट्स है वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके आगे देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट विल फेल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ये आपके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ आपके पास उधार होता है। तो आपका ओवर जो ड्राफ्ट होता है वो कब फेल होता है, जब आप अपनी लाइबिलिटी का जो क्लासिफाइड अकाउंट होता है उसको आप चेक नहीं करते हैं। लाइबिलिटी आपको पता है, आपने किसी से भी उधार लिया है तो आपने किस्त को, किस कंपनी को कितना उधार दिया, वो तमाम तरह चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज़ लाइबिलिटी। बाकी ऑप्शन देखें, रेवेन्यू तो हो नहीं सकता, पैसा जो आपके पास आता है कैश आता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। एसेट्स, आप जिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आपका फर्नीचर, आपका लैंड, ये तमाम तरह आपके एसेट्स होते हैं। और आपके जो एक्सपेंसिस होते हैं उसका मतलब क्या, जो आपके बिल आते हैं, बिजली के बिल्स वगैरह आ रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई इंटरनेट लगवाया उसका बिल आ रहा है, कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया उसको ठीक करवाना है, वो एक्सपेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी, वो आपका यहाँ पे लाइबिलिटी हो जाएगा। उसके आगे देखिए, कमीशन पेड विल फॉल डाउन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो वो कह रहे हैं कि जो कमीशन होता है वो कहाँ पर आपको पेड किया जाता है, किस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के। तो ये भी आपका एक्सपेंस होता है, जो आपको कमीशन कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी के साथ देती है वो आपका एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, आपके लिए वो एक्सपेंस नहीं होता है। तो ये आपका एक्सपेंस होगा, यानी कंपनी इसको एज अ एक्सपेंस बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो आप उनको बिजनेस दे रहे हैं, फिर वो आपको उस बिजनेस में से इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो निकाल लेते हैं, उस रेवेन्यू में से निकाल लेते हैं, और आपको सैलरी के साथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा अकाउंट एक्सेप्ट। कॉन्ट्रा अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्विजेस के अंदर भी, और आपके मिड टर्म में भी, और आपके फाइनल टर्म में भी। आपके सिर्फ और सिर्फ 20% आता है, तो 20% में 2-4 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से कॉन्ट्रा अकाउंट वाला एमसीक्यूज बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो देखें, ये आपका क्या होगा यहाँ पर, परचेसिस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा अकाउंट जो है वो ड्राइंग्स भी हैं, वो आपके पास सेल रिटर्न भी हैं, इसके अलावा आपके पास जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट है ये भी है। एक्सेप्ट का मतलब है स्वाय, तो परचेज इज नॉट इन द कॉन्ट्रा अकाउंट, तो यहाँ पर जो परचेज होगा वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें,
क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय द सेलर व्हेन डैश द आर रिटर्न। तो आप याद रखें, जो क्रेडिट नोट होता है वो आपको तब जो है वो इशू किया जाता है जब आपका क्रेडिट परचेज जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होगा, जो आपने क्रेडिट की बेसिस पर चीज़ों को परचेज किया होगा, किसी भी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया होगा। फिर आपका जो नॉर्मल बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, वो क्या सिमिलर टू एसेट अकाउंट। जो आपका नॉर्मल बैलेंस होगा ना, नॉर्मल बैलेंस से मुराद कि आपने जो आपके पास जितना भी इस टाइम पर कोई भी आपके पास कैश मौजूद है ना, वो आपका एसेट अकाउंट होगा। क्योंकि याद रखें, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आप जिस कंपनी में बैठ के, जिस फर्नीचर में बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी आपके एसेट्स में आते हैं। तो ये आपका नॉर्मल बैलेंस है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका एसेट अकाउंट होगा। बाकी ड्राइंग अकाउंट देखें, वो अकाउंट होता है जो आप अपने पर्सनल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी। एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी अपना बिल पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस आ जाता है। एट द एंड इनकम अकाउंट का मतलब होता है जो आप इनकम पर मंथ जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये आपका क्विज था। होपफुली जी मैंने अपनी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है। इसके अंदर से अगर आपको कोई भी एरर लगता है तो प्लीज़ आप, वैसे मेरी तरफ से 100% करेक्ट है, बहरहाल कोई भी एरर अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कमेंट्स में लाजमी मैंशन कर दें। एज यूजल मेरी तमाम तो लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को लाइक और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपकी ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे इजाज़त दें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप तमाम तो लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।